बोलती कहानियां में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति और इस बार लेकर आई हूं हरीश मंगलम की कहानी दाई। ये कहानी 2003 में साहित्य अकादमी के कहानी संग्रह दलित कहानी संचयन में छपी थी। संकलन रमणिका गुप्ता का है, मूल गुजराती से हिंदी अनुवाद अख्तर खान ने किया है। कहानी बेनी माँ की है, जो प्रसव करवाने में जितनी निपुण है उतनी ही मददगार भी हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी दाई। साबरमती के आसपास के कछार में फैले पेड़ों का हरापन आंखों में समा जाता। सुर्ख लाल सूरज पूरब में उग चुका था। बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। उस ओर से गांव की तरफ नजर डालते ही मन प्रसन्न हो जाता। हर तरफ एक शांति फैली हुई थी। अंबेडकर मोहल्ले से 1, 2, 3 तो कभी 10-12 के झुंड में लोग खेती मजदूरी के लिए जा रहे थे। बाकी बच जाते विद्यार्थी और बड़े बूढ़े। पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता। बेनी माँ पूरे दिन अंधेरी कोठरियों में एक आम की बखार में रहती। अच्छे अच्छे आम एक तरफ करती और गले हुए एक तरफ। गले हुए आम सस्ती कीमत में बेचती, जिन्हें अधिकतर दलित खुशी खुशी खरीदते। बचे खुचे गले आमों को बेनी माँ छोटे छोटे बच्चों में बांट देती। आम पकाने में जितनी कुशल थी वो, उतनी ही कुशल दाई के काम में भी थी। बेनी माँ का नाम सुनते ही पांव से भारी महिलाएं उनकी तारीफ करते नहीं थकती। कालू माँ को गुजरे 2 दशक बीत गए होंगे, तब से बेनी माँ इस अंधेरी कोठरी में जीवन बिता रही हैं। कोठरी की खपरेल में से होकर कहीं कहीं से प्रकाश की किरणें आती, बाकी तो एकदम घुप अंधेरा। आम के मौसम में कच्चे पक्के खट्टे मीठे अधपके पुलपुले या गल चुके आमों को उलट पुलट करने में ही उनका समय बीत जाता। छोटे छोटे कच्चे आमों को हाथ में घुमाते ही बेनी माँ को अपना बचपन और फिर जवानी याद आ जाती। फिर एकाएक बुढ़ापे का ध्यान हो आता। गले हुए आमों के छिलके जैसे ही उनके शरीर की चमड़ी काली लटकी हुई और रूखी हो गई थी। बेनी माँ बखार में आमों को उलट पुलट कर रही थी, तभी दली पटलानी ने बाहर से आवाज दी। बेनी माँ, ओ बेनी माँ। दली चौधराइन की सांसें चढ़ी हुई थी। अरे दली तू, क्या हुआ? बेनी माँ धड़ाक से बाहर दौड़कर आई और हांफते हुए पूछा। हाँ बेनी माँ, हम दली, हमरी जिठानी पशीमा को पेट में पीड़ा उठी है। डॉक्टर परेश बाबू को दिखाया था, लेकिन वो सुई लगाकर चला गया। कहा चिंता मत करो, 2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। फिर सांस लेते हुए बोली, लेकिन बेनी माँ अब 2 तो क्या, 4 घंटे हो गए, तो भी ना तो कुछ ठीक हुआ, ना ही पशीमा का दर्द कम हुआ। बेनी माँ जल्दी चलो। बेनी माँ हमेशा की ही तरह बिना देर किए साड़ी का पल्लू खोस कर दौड़ पड़ी। पशी की खाट के आसपास 7-8 औरतों का झुंड सांस रोके खड़ा था। पशी की सास मणिका बूढ़ों ने बेनी माँ को पूरी बात बताई। इसके बाद बेनी माँ ने पशी की नाड़ी जांची और मणिका बूढ़ों को ऊंची आवाज से फटकारा। अरे रांड, इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही, अभी तक कौन घाट में मरने गई थी? बुढ़ापा कहाँ बिताए रही? 7-8 बच्चा जनी है तो भी पता नहीं चला। अरे ऐसे तो सोने जैसी बहू खो देगी। बेनी माँ में इतनी सूझ और कुशलता थी कि उनके आगे अच्छे भले डॉक्टर भी गोता खा जाते। उनके पास MBBS या MD के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन अनुभव और कुशलता की गठरी बहुत बड़ी थी। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मरीज के सगे संबंधी भी बीमार पड़ जाएं, ऐसी दवाइयों का फालतू खर्च भी नहीं। प्रसव हो जाने तक रात दिन जगाई करती और केवल 1 नारियल का ही खर्च कराती। दूर हटो रांडो, कहकर बेनी माँ ने किवाड़ बंद किया। पशी और मणिका बूढ़ों के अलावा सभी को बाहर निकाल दिया। बेनी माँ ने फिर अपना काम शुरू किया।
पशी को बहुत पीड़ा हो रही थी और अब उससे पीड़ा सही नहीं जा रही थी। एक एक पल जैसे पहाड़ सा बन गया था। बाहर उसके पति बलदेव की जान अटकी हुई थी। अंदर से पशी की सहज कराह भी सुनाई देती तो वो रुआंसा हो जाता। मेनी माँ, घबराते घबराते मणिका बूढ़ो बोली, हमारी पछली की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। पिछला बखत बच्चा गिर गया रहा और इस बखत भी। बात आगे बढ़े इससे पहले तो वो सिसकी रोक ही नहीं पाई। तो मणिका बूढ़ो, वो डॉक्टर पिठुआ का बोलता रहा? बात बदलते हुए बेनी माँ ने पूछा। डॉक्टर तो पूछ रहा था कि तुमको का तकलीफ है। ऐसे ना पूछे तो डॉक्टर किस बात का? चेहरे के हाव भाव बदलकर डॉक्टरों की ओर तिरस्कार व्यक्त करते हुए बेनी माँ बीच में ही बोल उठी। मणिका बूढ़ों ने बात जारी रखी, और हाथ से नाक के फन जैसा गले से निकाल के कान में ठूंस कर देखा और बोला, बच्चा गर्भ में चिपक गया है, सुई से प्रसव हो जाएगा। ऐसा आश्वासन देकर डॉक्टर 50 रुपया लेकर चलता बना। आह भरकर मणिका बूढ़ो बेनी माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगी। बेनी माँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा, इतना काम पार लगाई दो। मणिका तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। काम में लीन बेनी माँ ने अपने अंतर में श्रद्धा का दीपक जलाए रखने को कहा। कोठरी के पिछले हिस्से में एक अजीब सी शांति फैली थी। अंदर और बाहर बैठे सभी लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। बलदेव की आंखें कोठरी पर छप्पर की बल्लियों के सामने ताककर कुछ खोजने का प्रयत्न कर रही थीं। छप्पर की खपरेल में से कहीं कहीं प्रकाश आ रहा था। अचानक पूरा वातावरण उस पल को लेकर नाचने लगा। नाचा, खूब नाचा। सूरज पर से बादल हट गए। बलदेव की आंखों पर खपरेल में से छनकर आने वाला प्रकाश चांद सा गोला बन गया था। पशी को सही सलामत लड़का पैदा हुआ बेनी माँ के हाथों से। पशी अभी तक बेहोश थी। मणिका बूढ़ों की आंखों से खुशी के आंसू बेनी माँ के चरणों पर गिरे। धड़ाक से दरवाजा खोलकर बेनी माँ ने सभी को खुशी की सूचना दी और बलदेव से एक नारियल चढ़ाने को कहा। खुश होती औरतों को उलाहना देते हुए बोली, रांडो ऐसन भूल कभी ना करना, लेकिन ऐसे में कभी कुछ हो जाए तो हमको बुला लेना। और उनके पैर मोहल्ले की ओर उठ गए। बेनी माँ एक दिन गांव में आम बेच रही थी। उस वक्त पछली कहकर बेनी माँ ने पशी को आवाज दी। पशी ने बेनी माँ का अभिवादन किया। बेनी माँ ने लड़के का हालचाल पूछा। अब तो लड़का 1 बरस और 3-4 माह का हो गया था। ले ले, आम लेकर के बेनी माँ ने लड़के को पास बुलाया। लड़का नन्हे नन्हे कदमों से बेनी माँ के पास आ रहा था, तभी पशी सावधान हो गई और लड़के का कंधा पकड़कर खींचते हुए बोली, ध्यान रख लड़के, बेनी माँ को छूना मत। बेनी माँ के बढ़े हुए हाथों को मानो लकवा मार गया हो। वे कांपते कांपते हवा में लटके रहे। उन्हें याद आ गया पशी के प्रसव का वक्त। अच्छा भाई, तो अब हम जाते हैं, कहकर नाद में रखे प्याले की चाय खत्म करती हुई बेनी माँ खड़ी हो गई थी। बेनी माँ को देखकर आसपास की औरतें दली, रुखी और मंजू इकट्ठा हो गई थीं। बेनी माँ के आगे नाद की मक्खियों की तरह भिन भिन आने लगी थी। ये तो बेनी माँ पछली का नसीब कि वो बच गई। और पछली भी कहती रही कि ये तो राम कबीर की मानी मनौती फल गई। मनौती फली का जबरदस्त भूत रमने लगा। बेनी माँ की सूझ समझ और कुशलता पर मानो किसी ने जोरदार पंजा मार दिया हो। आमों की टोकरी का भार उठाए बेनी माँ चलती बनी। रास्ते में बरगद के नीचे गांव के लड़के खेल रहे थे। बेनी माँ लड़कों के नजदीक से जा रही थी, इतने में एक लड़का गरजा, ए चमाइन, परे हट,
भ्रष्ट करेगी, दिखता नहीं है क्या? भैया हम तो इतनी दूर हैं। वेनिमा धीरे से बोली, आंखों में धुंधलापन छाया था। आंखों पर हाथ टिका कर देखा तो दली का लड़का डायला था। वेनिमा मन ही मन बड़बड़ाई, 3-4 बरस पहले दली के प्रसव के बखत मुए को हम ही ने तो बचाया था। वेनिमा पर पूरा आसमान टूट पड़ा। पैर थम जाएं, इससे पहले युगों का भार उठाए दूर हटी। तभी उनकी नज़र आकाश की ओर उठी। रोज की तरह सूरज सुर्ख लाल न था, उस पर काले काले बादल छाए हुए थे। कहकर बेनी माँ ने अपने भारी भरकम कदमों को कोठरी की ओर बढ़ाया। तभी बरगद की किसी डाल पर से टपाक टप गोदा टपका, मानो डायला की नार झड़ी। बेनीमा अपने अनुभव और सूझबूझ से अक्सर बिगड़ते हालात संभाल लेती हैं। मुश्किल प्रसव के समय औरतें आखिरी उम्मीद लिए बेनीमा की ओर ही दौड़ती हैं, और काम निकल जाने के बाद उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकती हैं। शहरों में हम इसी काम के लिए डॉक्टर को हजारों रुपए तक देते हैं, उन्हें इज्जत भी देते हैं, पर बेनीमा के हिस्से में क्या आता है? जो हाथ बच्चा जनते हैं, जो जाने बचाते हैं, वही हाथ बाद में अछूत कैसे हो जाते हैं? जरा सोचिए कि जीवन देने वाले उन हाथों के छू जाने से किसी के जीवन में कुछ बुरा कैसे हो सकता है? कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।